दोनों साइड पर चला गया। अब कंफ्यूजन जो है ना आप लोगों को यहाँ आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज को समझने के लिए बाबा की बूटी सेक्शन में आपके पास है किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि किरचॉफ के लॉ अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए, अगर ये आपको समझ में आ गए तो व्हीट स्टोन ब्रिज तो 5 मिनट का काम है। सबसे पहले आते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ पे। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ? अरे अगर मेरी पॉकेट में 100 रुपीज होंगे तो मैं अगर किसी को भी पैसे दे रहा हूं तो कितने दे पाऊंगा? 100 ही तो दे पाऊंगा। वही किरचॉफ कहता है। किरचॉफ कहता है कि जितना एक नोड पर करंट आएगा उतना ही तो उस नोड से करंट जाएगा। यानी कि अब अगर हम यहां देखें तो I1 इनकमिंग है, I2 इनकमिंग है, I3, I4, I5 दे आर आउटगोइंग करंट्स हैं। अगर ये आउटगोइंग करंट है तो इनका सम इनकमिंग के इक्वल होगा। अब अगर मैं इनकमिंग को पॉजिटिव मान रहा हूं तो आउटगोइंग को क्या मानूंगा? नेगेटिव। यानी ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी कि जितना इनकमिंग हुआ उतना ही आउटगोइंग हुआ। साइन कन्वेंशन की टेंशन लेना। देखो इनकमिंग को अगर नेगेटिव मानते हो तो आउटगोइंग को पॉजिटिव मान लेना। अगर इनकमिंग को पॉजिटिव मानते हो तो आउटगोइंग नेगेटिव, इनकमिंग नेगेटिव, आउटगोइंग पॉजिटिव। जस्ट उल्टा मानना है अपन को। एक जो साइन इनकमिंग को दिया है उसका उल्टा आउटगोइंग को देना है। ये तो बहुत आसान था। ये किस लॉ पर बेस्ड है? ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो इन बड़े-बड़े साइंटिस्टों ने बहुत छोटी-छोटी बातों को समझ लिया और उनको लॉ के फॉर्म में हमें दे दिया। और जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया तो हमने कहा अरे ये तो हमें आता था, बट कितनी सिंपल बात को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यही वो वाला लॉ है सर, बड़ी दिक्कत देता है, क्लास में भी समझ में नहीं आया था। क्या लिख रहा था वो टीचर, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या सर? बहुत आसान है दोस्तों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये सिंपल सी बात ये करता है कि अगर मेरे पास 100 जूल एनर्जी है तो जितना भी मैं वर्क करूंगा वो सिर्फ 100 जूल के बराबर होगा। जितनी एनर्जी है उतनी तो डिसिपेट होगी ना। वैसे ही सर्किट में जितना ईएमएफ आपने लगाया है, अरे भैया पोटेंशियल ड्रॉप भी तो उतना ही होगा। यानी जितना ईएमएफ है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप। ईएमएफ है, आईआर ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जितना ई उतना ही आई। और अगर एक लूप में लिखें तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि ईएमएफ को अगर आप साइन कन्वेंशन से प्लस लग रहे हो तो ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा। देखते हैं क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ कहते हैं कि अगर आप एक लूप में हैं, जैसे ये मेरे पास रजिस्टर R1 और R2 हैं और ये मेरे पास एक सेल है जो EMF E का है, तो अगर मैं एक लूप लिखूं, लूप मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हो सारे एलिमेंट से एक बार होते हुए, जरूरी नहीं है सर्किट के सारे एलिमेंट हो, बट हर एलिमेंट से होते हुए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से होते हुए उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है, मतलब जहां से शुरू किया वापस हमको वहीं पे आना है, तो वो बनती है एक लूप। तो ये हमसे ये कहते हैं अरे भाई आपने जितना EMF उतना ही तो ड्रॉप होने वाला है। यानी इस पे कितना ड्रॉप होगा? IR1। इस पे कितना ड्रॉप होगा? IR2। वो किसके बराबर होगा? E के। यानी समेशन ऑफ E प्लस IR इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखें तो अपन ये कहते हैं अगर मैं पॉजिटिव से बाहर आया तो प्लस E, अगर मैं नेगेटिव से बाहर आया तो माइनस E, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस IR, अगर मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं तो प्लस IR। अब करंट के अपोजिट और वो क्या है? मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है और लूप लिखते टाइम में जिस एलिमेंट से पास हुआ वो करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस IR। और अगर सपोज करिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है बट मैं लूप लिखते टाइम जब आ रहा हूं तो मैं करंट के ऑपोजिट आ रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्लस IR। तो ये हो गया मेरे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर मैं इस लूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा बोलो मेरे साथ? यहां से शुरू करें, बिल्कुल करंट क्या है? आए इस रजिस्टर से पास हुए कितना आया?
माइनस आई आर वन, क्यों? क्योंकि मैं लूप की डायरेक्शन में जा रहा हूं। एक और बात, लूप लिखते टाइम हमेशा पॉइंट्स को नेम दीजिए और जहां से स्टार्ट किया है वहीं खत्म करिए। ये हम अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में देखते हैं। सबसे पहले माइनस आई आर वन, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना ड्रॉप होगा? इसका रेजिस्टेंस इंटू इसका करंट यानी माइनस आई आर टू। फिर मैं कहां से निकला? प्लस से निकला, यानी क्या साइन दू? जब मैं प्लस से आता हूं तो प्लस ई इज इक्वल टू जीरो। तो एक कंप्लीट लूप में ये आ गई मेरे पास केवीएल की इक्वेशन। और ये लॉ किस पर बेस्ड है? अरे भाई, करंट यानी चार्ज फ्लो हो रहा है तो कौन सप्लाई कर रहा है एनर्जी को? बैटरी सप्लाई कर रही है या सेल सप्लाई कर रहा है? इसीलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये हमारे पास बाबा की बूटी का सेक्शन खत्म हुआ। मूव करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम। बेसिकली ये एक प्रिंसिपल है जिसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस। अब अननोन रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हमारे पास ये सेटअप है। अब इसको सेटअप को कैसे याद रखना है? स्क्वायर याद रखो भाई, स्क्वायर की हर एक साइड पे क्या लगा दो? एक रेजिस्टेंस। और दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल के क्रॉस लगा दो गैल्वेनोमीटर और एक की। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? आरजी। और दूसरे डायगोनल के क्रॉस लगा दीजिए आप एक बैटरी जिसका ईएमएफ है ई। सेल लगा दो, बैटरी लगा दो, और एक और की जिसको अपन बोलेंगे सेल की, और इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहना क्या चाहता है ये सर्किट, पहले सर्किट को समझ लेते हैं। फोर मैंने रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, एक साइड पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है और एक डायगोनल के क्रॉस मैंने बैटरी लगाई हुई है या सेल लगाया हुआ है। यहां से करंट आया आई, ये करंट डिवाइड हुआ दो पार्ट में, आई वन और आई टू। ऑब्वियसली सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, तो जितना आ रहा था उतना ही जाएगा, दोनों साइड पर चला गया। अब कंफ्यूजन जो है ना आप लोगों को यहां आता है कि ये आई वन करंट है, इधर कितना जाएगा या इधर से करंट आएगा? तो भाई हम ये पहले ही मान रहे हैं कि ये जो वीसी है ये हायर पोटेंशियल पर है और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। आप इसको बड़ा मान लेते तो फिर यहां से करंट आता। अभी हमने बुक के हिसाब से मान लिया कि भाई सी हायर पोटेंशियल पर है तो करंट नीचे जाएगा। अब यहां से करंट डाउनवर्ड जा रहा है, कितना करंट चला गया? आईजी। KCL सिखाया ना बाबा की बूटी सेक्शन में कि अगर I1 आ रहा है, IG इधर जा रहा है तो कितना बचेगा? I1 माइनस IG, क्योंकि IG चला गया, ये आ गया मेरे पास करंट। अब यहां से देखो IG आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, फिर लगा दे KCL, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, कितना इनकमिंग है? I2 प्लस IG, कितना जाएगा? I2 प्लस IG जाएगा। तो ये आ गए मेरे पास हर एलिमेंट के करंट। और जैसे ही मेरे पास सारे एलिमेंट्स के करंट आ गए, अब मुझे सिर्फ दो लूप लगानी है। बट काम कैसे करता है व्हीटस्टोन ब्रिज? काम ऐसे करता है दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं, इन चारों को आप वेरी कर सकते हो, इन दो को वेरी करो, बट आप कुछ भी ऐसा करो जिससे कि जो पोटेंशियल है सी का और पोटेंशियल है डी का सेम हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा? जीरो करंट जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो करंट जा रहा है तो बड़े आसानी से हमारे पास एक कंडीशन निकल कर आएगी और वो कंडीशन से हम एक अननोन रेजिस्टेंस निकाल देंगे। अब वो कंडीशन क्या निकल के आएगी देखते हैं। हमारे पास है दो लूप, बिल्कुल भी गलती मत करना ईएमएफ वाली लूप को लेने की, ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होगा, मत करना। क्या लूप लेंगे? ए सी डी ए, एक लूप हम ये लेंगे, दूसरी लूप हम लेने वाले हैं सी बी डी सी। दो लूप हैं ए सी डी ए, पहले इस लूप को देखते हैं फिर दूसरी लूप को देखेंगे। जैसे ही मैंने ए सी डी ए लूप ली, मैं ए से सी गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं मित्रों, करंट की डायरेक्शन में माइनस आई वन आर वन। अब मैं जा रहा हूं फिर से करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में माइनस आई जी आर जी, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप नेगेटिव होता है। अब मैं जा रहा हूं इस सेक्शन में करंट के ऑपोजिट, आई टू इधर जा रहा है, मैं ऑपोजिट जा रहा हूं, क्या आएगा? प्लस का आई टू आर टू, फिर से माइनस आई वन आर वन, माइनस आई जी आर जी,
प्लस आई टू आर टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैं वहीं आ गया, माइनस को उधर ले गया, अरेंज कर लिया। अब आते हैं दूसरी लूप पे, दूसरी लूप सी बी डी सी। जैसे ही मैंने ये लूप लिखी, अब मैं सी से बी जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस का करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना आई वन माइनस आई जी इंटू आर थ्री। फिर मैं जा रहा हूं बी से डी की तरफ, बट करंट तो ऑपोजिट है तो माइनस नहीं लगाऊंगा, अब क्या लिखाऊंगा, प्लस प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू आर फोर। अब फिर मैं जा रहा हूं डी से सी, क्योंकि मेरी लूप तो मैंने ऐसे लिखी है। अब मैं जब यहां से अपोजिट जा रहा हूं, करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का आई जी आर जी, क्योंकि यहां का करंट है आई जी, रेजिस्टेंस है आर जी, माइनस को उधर ले गए। अब आता है बैलेंस। मैंने क्या कहा था, बैलेंस के टाइम पर यहां पे कोई करंट नहीं जाएगा, हम ऐसा एडजस्ट करेंगे कि इसमें से कोई करंट ना जाए, यानी आईजी क्या हो जाए, जीरो। अगर इस इक्वेशन में मैं आईजी को जीरो कर दूं तो ये पार्ट जीरो, अगर मैं आईजी को जीरो करूं तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट जीरो। देखते हैं क्या कंडीशन आ रही है। जैसे ही मैंने IG को जीरो रखा, ये हो गया I2 R2 is equals to I1 R1, और ये इक्वेशन में हो गया माइनस R3 I1प्लस I2 R4। अगर इस इक्वेशन में देखें तो ये हमने और सिंप्लीफाई कर ली थी, इसमें रख लेते हैं, क्या आएगा I2 R4, और यहां आ जाएगा I1 into R3। तो ये मेरे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ गई। अब तो दिख रहा है डायरेक्ट दोस्तों, अगर डिवाइड कर देंगे तो I1 और I2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। जैसे ही मैंने इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड किया, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या मिलेगा, R1 by R3 is equals to R2 by R4। मैं चाहूं तो R2 को इधर ले आऊं, तो R1 by R2 is equals to R3 by R4। क्या कहना चाहता है ये एक्सप्रेशन अपन से, ये कहना ये चाहता है कि ये ब्रिज तब बैलेंस होगा जब R1 by R2 is equals to R3 by R4 हो जाए, या फिर R1 by R3 is equals to R2 by R4 हो जाए, या तो इस साइड का रेशियो इज इक्वल्स टू दिस साइड रेशियो, और ऐसे में हमारा रेशियो सेम हो जाए। ये हमसे कहना चाहती है ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मुझे अगर तीन रेजिस्टेंस पता हैं, तो क्या चौथा रेजिस्टेंस मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। अगर मुझे ये तीन रेजिस्टेंस पता हैं, बड़े आसानी से फोर्थ रेजिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं। हो गया ना, कितना आसान। नेक्स्ट वीडियो में मीटर ब्रिज है और वो बेस्ड है इस प्रिंसिपल पर, उसको अच्छे से करिएगा, इस डेरिवेशन को भी अच्छे से समझिएगा। अगर कोई डाउट है कमेंट में मेंशन करिए, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपके लिए हमेशा हैं। इस वीडियो में इतना ही, जय हो।